दोस्तों टीम इंडिया में अनदेखी का शिकार हो रहा है ये धाकर ऑलराउंडर, सिलेक्टर्स नहीं दे रहे हैं भाव। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय टीम इस समय 2 से 3 टीमों के साथ श्रृंखलाएं खेल रही है जहां पर हर एक खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अभी भी टीम इंडिया से ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों एक समय था जब भारतीय टीम ने कई ऐसे ऑलराउंडर्स को मौका दिया था हार्दिक पांड्या के ना होने पर, जो कि भारतीय टीम के रेगुलर ऑलराउंडर बन गए थे, लेकिन दोस्तों अब उनको सिलेक्टर्स भाव ही नहीं दे रहे हैं। उसी में दोस्तों एक बड़े खिलाड़ी का नाम है जो कि भारतीय टीम का प्रमुख ऑलराउंडर हुआ करता था, पर आजकल वो कहां है किसी को नहीं पता। दरअसल दोस्तों हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उनका नाम है शिवम दुबे जो कि भारतीय टीम के प्रमुख ऑलराउंडर्स हुआ करते थे, लेकिन आज से 2 साल पहले जब तक उनको मौके मिले गए थे तब तक शिवम दुबे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और यहां पर जो हार्दिक पांड्या की जगह है उसमें वो सेंध नहीं लगा पाए थे या उनकी प्लेस में अपने आप को फिट नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों अब जब हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है तो भारतीय टीम कई अलग अलग ऑप्शंस को इंतजार करवा रही है, कई अलग अलग ऑप्शंस को यूज कर रही है, लेकिन शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी अभी भी टीम इंडिया से ड्रॉप ही हैं और उनको मौका देने का सही नहीं समझ रही है बीसीसीआई, जो कि कहीं से भी शिवम दुबे के साथ जस्टिस नहीं है। हाल ही में हुए आईपीएल में भी शिवम दुबे ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी शिवम दुबे को अभी भी टीम इंडिया मौका नहीं दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शिवम दुबे को आने वाले सीरीज में मौका मिलता है, क्योंकि अभी एक जिम्बाब्वे से सीरीज होने वाली, वहां पर नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। आपके हिसाब से क्या शिवम दुबे को वहां मौका मिलेगा, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।